और तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है और ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज हम जा रहे हैं एक छोटा सा सरप्राइज देने। वो सरप्राइज किसको देना है और क्या देना है तो हम वो आपको इस वीडियो में साथ साथ बताते रहेंगे। तो चले सरप्राइज को करते हैं। रिवील करने का मकसद ये है कि हम यहाँ हूँ वाइफ के लिए बर्थडे केक लेने। है यहाँ से जमजम से हमने केक लिया है, जमजम सऊदाबाद। हम इस टाइम 2 मिनट पे खड़े हुए हैं और हमने यहाँ पर आके कोकेट बनवाया। कोकेट बनाने के मेकिंग चल रही है, देखें बिल्कुल मेकिंग हो रही है इसकी। तो आप यहाँ पर जरूर आए, बहुत मुनासिब रेट में यहाँ पर कोकेट और फूल वगैरह मिलते हैं, तो जरूर आप विजिट करें। बिल्कुल 2 मिनट के बिल्कुल सामने है, ये 2 मिनट के फ्लाईओवर है उसके बिल्कुल सामने है। भाई का नाम क्या है भाई? मोहम्मद राहिल। सॉरी, मोहम्मद राहिल। भाई मोहम्मद राहिल, अपने एड्रेस बताओ, किस जगह पर है आपकी शॉप? मैं 2 मिनट चुरंगी में संगम बेल गेट के सामने। अच्छा, देख लें आपको रेट वगैरह मुनासिब। मोहम्मद राहिल। भाई मोहम्मद राहिल, अपने एड्रेस बताओ, किस जगह पर है आपकी शॉप? मैं 2 मिनट चुरंगी में संगम बेल गेट के सामने। अच्छा, देख लें आपको रेट वगैरह मुनासिब होंगे ना भाई? कल है हमारी बेगम की बर्थडे, तो अभी मैं आया हूँ सरप्राइज को अभी करता हूँ रिवेल। मैंने अभी लेना है केक, ले लिया है मैंने केक और बुकेट तो पहले ही लिया था, तो अभी चलते हैं वहाँ पर तो बेगम की बहन के घर पे और वहाँ मिलते हैं और देते हैं सफरी। अभी मैंने सब तक केक फाइनली, यार अब हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, किरण की सिस्टर के घर। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, उनके घर जाते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या सूरत है और उसको देंगे हम सरप्राइज और केक वेक कट करेंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे और उसके बाद थोड़ी सी शुगर लगाएंगे। तो मिलते हैं अब अंदर जाके। हैप्पी बर्थडे वाइफ। तो भैया रही बात फ्लावर भी दे दी, अब हमने सोचा यार जो गिफ्ट लाए वो भी दे देते हैं। ये भाई आपका गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे एक और बार। कितने साल की बुड्ढी हो गई आप? जितने साल की आप? अच्छा, मेरे साल की हो। तो भाई ये भी हमने लिया था, ये भी देना था इनको, ये भी दे देते हैं भाई। ये बर्थडे की सेलिब्रेशन और केक वेक बिल कट चुका है, अब केक की कटिंग हो रही है खाने के लिए। तो